रही हो, क्या कर रही हो? ध्यान से करो काम साजता। सफाई करने के लिए दिया है, तोड़ने के लिए नहीं। और वैसे भी ये सारी डिजाइन है ना, इसमें डस्ट जमी रहती है, सही से साफ करो इसे। पता दिए तुम्हें 5 लाख रुपए का फर्नीचर है ये सारा। हाँ बीबी जी, जब अच्छा, आपका सामान आया है, आपको कॉल, काम बढ़ गया है, सारा दिन डस्टिंग में निकल जाता है। हाँ भाई, तुम्हें तो आराम करने की आदत हो गई है ना, जरा हल्का फुल्का हाथ चलाना पड़ता है, तुम्हें तो परेशानी शुरू हो गई। चलो सफाई करो और मुंह बंद करके। और हाँ, कुछ तोड़ा फोड़ा ना तो तुम्हारी तनख्वाह काटूंगी। वैसे भी 10 साल की तनख्वाह काटनी पड़ेगी, तब भी मेरा नुकसान पूरा नहीं होगा। अच्छा जाओ, नाश्ता लगाओ। अबीर, हो क्या गया है तुम्हें? क्यों उस बेचारी को बातें सुनाती रहती हो? पूरा दिन तो वो घर का काम करती रहती है। तो पैसे भी तो लेती है ना, कौन सा मुफ्त में कर रही है हमारे घर का काम? और इन नौकरों पे ना नजर रखनी पड़ती है, आपको तो कुछ आइडिया है ही नहीं। आप जानते, अगर ये फर्नीचर की सफाई सही से नहीं करेगी तो इसकी चमक मान पड़ जाएगी। हर चमकती हुई चीज की अहमियत होती है, और मेरे जैसा फर्नीचर तो आपके पूरे खानदान में ढूंढने से भी नहीं नजर आए। चीजें जरूरत के लिए इस्तेमाल होती हैं, दूसरों का मुकाबला करने के लिए नहीं। तो आपका लेक्चर शुरू हो जाता है सुबह ही। नाश्ता लगा रही हूँ, आगे नाश्ता कर लो। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप यकीन करें, मैं अजलान और अबीर को जब खुश देखती हूँ ना, दिल मुतमईन हो जाता है, एक सुकून सा मिल जाता है। माशाल्लाह। अच्छा भाई, हमें आपसे एक शिकायत है। जी? वो ये कि लाख मना करने के बावजूद आपने अबीर को इतना जहेज से दिया। सबकी क्या जरूरत थी? अल्लाह का दिया सभी कुछ था हमारे घर में। ये तो आपका बड़ापन है जो आप इस तरह से सोचती हैं। आप तो जानती हैं कि अबीर मेरी अकलौती बेटी है। अजलान के पास अपनी गाड़ी भी है माशाल्लाह, और आपने अबीर को जहेज में गाड़ी दे दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, ये चीज़ें जो होती हैं ना, बेवकत होती हैं। हमने तो बस कोशिश की है कि इसकी ख्वाहिश पूरी करें, और अल्लाह इसे नसीब करे ये चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए। मुझे खुशी तो इस बात की है कि अबीर को आप जैसे अच्छे लोग मिले, मोहब्बत करने वाले। आप यकीन जाने कि मेरे लिए अबीर और हमारा में कोई फर्क नहीं, दोनों बेटियां हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बहुएं तो बेटियां होती हैं। अपनी बेटी तो रुखसत होकर दूसरे घर में चली जाती है। अच्छा, मेरे ख्याल में बहुत देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। सवाल ही नहीं पैदा होता, इतने टाइम के बाद आई और खाना खाए बगैर चले गए, हरगिज़ नहीं। अरे खाने का तकल्लुफ क्यों कर रही है? आइंदा जल्दी आ जाऊंगी और बैठ के खाना खा के जाऊंगी। नहीं, आप जा नहीं सकती खाना खाए बगैर। रुक जाए ना अम्मी। समझाओ अपनी सास को कि तुम भी उनका साथ दे। क्या हुआ? ये क्या किया तुमने? वो भाभी, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे हाथ से प्लेट छूट गई। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। मेरे जहेज का बहुत महंगा सेट था ये, इसकी प्लेट तोड़ के तुमने पूरा जहेज का सेट बर्बाद कर दिया। जानती हूँ कितने का है? हजारों का नुकसान कर दिया, मेरा हजारों का नुकसान। अगर तुम्हें तमीज नहीं है बहन के नए बर्तन कैसे इस्तेमाल होते हैं तो तुम मुझे बता देती, मैं खुद निकाल लेती। भाभी, साजना, हाँ मर गई हो तुम। इतनी जोरदार प्लेटें तोड़ी है मैडम ने, आके सफाई तो करो। बेटा कोई बात नहीं, टूट गया ना और आ जाएगा। आप तो यही कहेंगी ना, क्योंकि आपकी बेटी से जो टूटा है। वैसे भी मेरे जहेज का सेट है, आपको क्या फिक्र इसकी? ये कौन सा तरीका है मेरी अम्मी से बात करने का? मैंने अम्मी से कुछ नहीं कहा है। अम्मारा ने मेरे जहेज का इतना महंगा सेट तोड़ के बर्बाद कर दिया है, और ये इसकी हिमायती बन के इधर आ गई है। तो क्या इस प्लेट की वैल्यू मेरी अम्मी से ज्यादा है? हजारों का सेट था ये, और मेरे भाइयों ने मुझे बहुत मोहब्बत से दिया था। क्या मैं एक बात भी नहीं कह सकती? बात करने का एक तरीका होता है। हाँ, तुम तो यही कहोगे ना। अगर अम्मारा के जहेज की प्लेट मैं तोड़ती ना, तो देखती तुम्हारे जज्बात कहाँ आसमानों तक पहुँचते। बेटा बेटा, अब हमारा की ही गलती है, तुम दोनों झगड़ के ना बात को ना बढ़ा। हाँ साजदा, पता नहीं कहाँ मर गई, ये बहरी हो गई है। घर में सब खैरियत है ना? ठीक है सब, अल्लाह का करम है। काफी अरसे बात चक्कर लगाया। हाँ बस मैंने कहा अब जाया ही जाए। आराम से ये लीजिए।
माशाल्लाह कलसुम बहन, आपके बर्तनों की कलेक्शन बहुत अच्छी है, कहाँ से खरीदे? अभी एक्चुअली आंटी ये सब तो मेरे जहेज थे, असल में मेरे भाई जो है ना बहुत नायाब, बहुत कीमती और महंगी चीजें दी हैं मुझे। और वैसे हमारे यहाँ ये रिवाज भी है, लड़कियों को ना भर भर के जहेज दिया जाता है। हाँ ठीक कह रही, माँ बाप तो जितना दें उतना ही कम है। वैसे कलसुम बहन आपके तो मजे हो गए। अल्लाह का दिया हमारे यहाँ सभी कुछ है, हम तो इस हक में ही नहीं थे कि अबीर इतना जहेज लेकर आती। ये सब कहने की बातें होती हैं आंटी, आप खुद बताएं जहेज आता हुआ किसको बुरा लगता है। कलसुम बहन बस अब आप तैयारी पकड़ लें, देखिए 2 साल हो गए हैं मंगनी को, बहू घर आ जाएगी तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा। आपकी अमानत है आपकी बहू हमारे पास, आप जब चाहें ब्याह कर लीजिए। आए बैठ बेटा, बैठो जी। असलान बेटा माशाल्लाह नई गाड़ी ले ली है तुमने? एक्चुअली आंटी गाड़ी तो मेरे जहेज की है, वो मैंने अपने भाइयों से डिमांड की थी कि मुझे ब्रांड न्यू गाड़ी चाहिए जहेज में, तो उन्होंने गिफ्ट कर दी। अरे वाह अजलान, तुम्हें तो बैठे बिठाए इतनी शानदार गाड़ी मिल गई। गाड़ी तो घर पे पहले से थी, लेकिन अरीबा बहन ने अपनी बेटी की खुशी के लिए गाड़ी भी जहेज में दे दी। ये तो कहने की बात है आंटी, आप तो जानती हैं घर की गाड़ी के कितने काम होते हैं, वो पर्सनल इस्तेमाल में आती कहाँ है। अब आप देखे जब से मेरे जहेज की गाड़ी आई है ना ब्रांड न्यू, तब से अजान ऑफिस भी उसी गाड़ी में जाते हैं, वहाँ पे इनकी बहुत इज्जत बढ़ गई है और सबको आपकी तरह यही लगता है कि वो इनकी गाड़ी है। अजलान तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हें अबीर जैसी बेबी मिली है। अब मैंने तो अपने भाइयों से साफ साफ कह दिया था कि मुझे इतना जहेज दे कि कई सालों तक मुझे शॉपिंग करने की जरूरत ही ना पड़े, और आप जानती हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों ने भर भर के जहेज दिया है, हर चीज ब्रांड न्यू, हर चीज मेरी पसंद की। वैसे तुम्हारे भाइयों ने बहन की जिम्मेदारी बड़ी अच्छी तरह निभाई। बस आंटी हम भी चाहते हैं कि हमारा की शादी करके अपने फर्ज से सुबुकदोश हो। हाँ हाँ क्यों नहीं, इंशाल्लाह जल्दी वक्त आने वाला है, बल्कि भाई तुम भी तैयारी पकड़ लो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू सो मच आंटी, आप लोग आइए ना प्लीज डिनर के लिए। आजा। हाँ हाँ बेटा चलते हैं, आए आओ बेटा, अस्सलाम आए बहन। हाँ हाँ आओ बेटा। क्या हो गया अजलान, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया? नहीं नहीं पता क्या किया, ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने जो आप इतने नाराज हो रहे हैं? किस तरह तुम किस तरह जहेज की बातें कर रही थी तुम उनके सामने, अम्मी भी शर्मिंदा हो रही थी। क्यों, इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है भाई, जो सच था वो ही कहा है, हकीकत ही बयान करी थी, कोई इजाफी बात तो नहीं की है मैंने। अबीर हमने तुमसे कहा था कि इस घर में जहेज नहीं चाहिए हमें, पर तुम बज़द थी कि लड़की का हक होता है और तुम इस हक से दस्तबरदार नहीं होना चाहती थी। तो क्या हो गया है, कोई कयामत नहीं आ गई है? अगर वहां बात करना मना था तो बोल देते मुझसे, मैं चुपचाप बैठी रहती। तुमसे ना बात करना ही फजूल है। हाँ तो ठीक है मत करो बात। अरे अम्मी आए हैं बैठे। काम तो नहीं कर रहे? नहीं कुछ खास नहीं, आप कहिए। वो बेटा मैं ये कहना चाह रही थी कि अमारा की सास आना चाह रही है शादी की तारीख लेने के लिए। हाँ तो ठीक है आप उन्हें बुला लें, हम तारीख रख लेते हैं। बेटा तुम तो जानते ही हो तुम्हारे अब्बा की जिंदगी में ही जो जाती घर था वो गिरवी रखा जा चुका है, और तुम तो खुद अपनी ज्यादातर कमाई से कर्जे चुकाते रहते हो। मैं इस बात को समझती हूँ,
लेकिन बेटा वो शादी की तारीख तय करने आएंगी तो हमें 8-10 महीने का तो टाइम मिलना चाहिए। ढेरों खर्चे होते हैं शादी के। हमें देखिए, मुझसे जो बन पाएगा वो मैं करूंगा, लेकिन आप इसमें देरी मत कीजिए। देखिए, कुछ सेविंग्स हैं मेरे पास, कुछ आपने भी जोड़ रखा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ खैरियत से हो जाएगा। इंशाल्लाह खुश रहो बेटा, खुश रहो। अल्लाह तुम्हें जिंदगी और खुशियां अता फरमाए। अल्लाह ताला हर एक को तुम्हारे जैसा बेटा नसीब करे। आमीन। बस आप परेशान मत हुआ करें। अच्छा बेटा, आओ बैठ जाओ। माशाल्लाह, हमारा जोड़ा तो बहुत खूबसूरत है। आंटी, एक्चुअली ये मेरे जहेज का जोड़ा है। इसने तो सादे से कपड़े निकाल के पहन लिए थे। मैंने कहा खबरदार, अच्छे से कपड़े पहनो, क्योंकि मेरी अम्मी ने ना मुझे 101 जोड़े दिए हैं जहेज में। हाँ, और सारी के सारे मेरी पसंद के। जितना सामान आप यहाँ देख रही है ना, सारा मेरा जहेज है। मतलब इस कमरे में सारी सजावट मेरे जहेज से हुई हुई है। माशाल्लाह। एक्चुअली मैं अपने भाइयों की ना लाडली बहन, और आप बस नाम ले आंटी, कौन सी ऐसी चीज है जो अम्मी ने मुझे जहेज में नहीं दी। बेटा, ये जो तुमने कंगन पहने हुए, ये भी तुम्हारे मैकी की तरफ से है? हाँ, एमरल्ड मेरा फेवरेट, मेरे भाइयों ने स्पेशली मेरे लिए बनवाए। इसके अलावा 4-5 सोने के सेट हैं और 2 दर्जन सोने की चूड़ियाँ। माशाल्लाह, तुम्हारे तो मैके वाले बड़े दिल वाले। माशाल्लाह से। मैंने ना गाजर का हलवा खास तौर पे जुबैर के लिए बनाया था, पैक कर दिया, आप जाते हुए लेके जाइएगा। अगर जुबैर आ जाता तो बहुत अच्छा होता, मुलाकात हो जाती। आप जानती तो है जुबैर कितना बिजी रहता है, और अब तो शादी की डेट फिक्स हो गई है, दिनों का पता ही नहीं चलेगा शादी की तैयारियों में। वैसे घर से तो मैं ये सोच कर आई थी कि 1 माह के बाद की डेट रखूंगी शादी की, जुबैर और उमारा की, लेकिन आपके कहने पर 2 माह के बाद की रखी है। आप तो जानती है ना बहन, लड़की वालों के ढेरों काम होते हैं तैयारियों के, और मेरा अजलान एक ही बेटा है। जाहिर है सारी जिम्मेदारियां इसके सर पे, मेरा बच्चा सब अकेले संभाल रहा होता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, और वैसे भी माँ बाप जितना भी दे दे बेटियों को उतना ही कम लगता है। क्यों अबीर बेटा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ आंटी। हमारे यहाँ ये रिवायत है कि ट्रक भर भर के जहर दिया जाता है लड़कियों को। हम भी बहन अपनी हैसियत के मुताबिक जो बन करेगा अपनी बेटी के लिए जरूर करेंगे। आप हमारी तरफ से बेफिक्र हो जाइए। वैसे आपने कुछ ना कुछ तैयारियां तो की होंगी। जाहिर है हमारा भी इकलौती है आपकी बहू की तरह। जी जी आंटी, अल्लाह ताला ने जो वक्त मुकर्रर रखा है, इंशाल्लाह सब खैरियत से हो जाएगा। क्यों इंशाल्लाह। प्लीज ये देखें, ये ब्राइडल ड्रेस बनाया मैंने हमारा के लिए, और उसे चेकअप करवा दीजिएगा। मैंने सोचा कि आपको ड्रेस भी दिखा दूं और आपसे जरूरी बात भी करें। जी जरूर कहें। बात मैं घुमा फिरा कर नहीं करूंगी, बेटी को तो जहेज आप देंगे ही, क्वालिटी का ख्याल कीजिएगा। जहेज मुझे आलीशान चाहिए, जैसा आपकी बहू लेकर आई है, फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर चीज हो जहेज में। और हाँ, गाड़ी तो आपने अपनी बहू के जहेज में ली है ना, तो फिर देने का हौसला भी रखेंगी, तो प्लीज गाड़ी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। माशाल्लाह तुम्हारा का भाई कमाऊ है, वो तुम्हारा का घर भर देगा, और हम भी 4 लोगों को शान से जहेज दिखा सकेंगे।
बहन आप ये कैसी बातें कर रही हैं? पहले तो आपने कभी ऐसी बात नहीं की। हर बात अपने वक्त पर की जाती है और ये मुनासिब वक्त आ गया कि सारी चीजें पहले तय कर ली जाए ताकि बाद के झगड़ों से बच सके। और मैंने भी कौन सी अनहोनी बात की, आपके बेटे ने भी तो जहेज में सब कुछ लिया है ना, तो फिर बहन को देने में क्या एतराज। वो तो ठीक है, लेकिन बहन इतने कम वक्त में हम ना सब कुछ कैसे करेंगे? अरे बहन, करने वाले सब कुछ कर लेते हैं और आपके पास तो अभी काफी टाइम है, आप आसानी सब कुछ अरेंज कर लेंगे। देखें बहन, हम सफेदपोश लोग हैं, हमसे जो बन पड़ेगा ना अपनी बेटी के लिए हम सब करेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए आप हमसे आलीशान जहेज की तवक्को मत कीजिए। एक तो टाइम भी कम है और हम अपनी हैसियत के मुताबिक जितना जहेज होगा आपको जरूर देंगे। हमने मारा को आला तालीम दी है, तरबियत दी है, जितना बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे उसके लिए। वाह मियां वाह, ससुराल से तो तुमने जहेज में सब चीजें ली और तुम्हारी बीवी सब चीजें सबको गिनवाती फिर रही है, तब तो तुम्हें ख्याल नहीं आया, अब बहन की बारी आई तो हैसियत याद आ गई। हमने अबीर को सख्ती से मना किया था कि वो जहेज इस घर में लेकर नहीं आए। हाँ हाँ नजर आ रहा है, अगर मना किया होता तो मालकियत समझकर हर चीज इस्तेमाल ना कर रहे होते। देखो बेटा, अगर जहेज ले सकते हो ना तो देना भी सीखो। ठीक है, अगर आप हमारा को जहेज में गाड़ी नहीं दे सकते तो मेरी तरफ से ये रिश्ता खत्म समझो। बहन मेरी बात सुनो, अब इस मम्मी को ना 2 साल हो गए हैं, तो आप प्लीज ख्याल करें, हमारी बहुत बदनामी होगी। अगर आपको अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल है तो इसको बचाने की कोशिश भी करें। मेरी बात सुन। सोच लें आप। बहन मेरी बात सुने, खुदा के वास्ते आप ना इस तरह मेरी बात सुन। सुनिए अजलान, अजलान रोको ही नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अजलान बेटा, अजलान बेटा। अम्मी, बेटा। अम्मी क्या हो गया? अजलान, अम्मी हमारा पानी लेकर आओ, पानी। अम्मी, अम्मी जल्दी लेकर आओ। अम्मी, अम्मी आंखें खोले। अम्मी आंखें खोले। तुम्हारी दिखावे की आदत ने मेरी बहन की खुशियां छीन ली, शादी टूट गई उस मासूम की। अभीर तरहीब अच्छे काम की दी जाती है, लालच और दिखावे के इश्तेहार नहीं लगाए जाते। तुम जैसे दिखावा करने वाले लोगों की वजह से ना जाने कितनी लड़कियां जो जहेज ना होने की वजह से घर में बैठी रहती है। अरे जब से घर में आई हो तुम एक ही बात की रट लगा रखी है, जहेज जहेज जहेज। खुशियां कीमती सामान में नहीं होती अबीर, दिल भिकाऊ नहीं होते, दिल में जगह करने के लिए मोहब्बत और खुशियां देनी पड़ती हैं। अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ तुम। और जो ये तुम्हारा सामान है ना, ये तुम्हारा सारा कीमती सामान कल लोड करवा के मैं के भिजवा दूंगा, रह लेना तुम इस सामान के साथ। नहीं नहीं अजलान प्लीज, मेरे साथ ऐसे मत करें, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। छोड़ो मुझे और जाओ यहाँ से। अजलान क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ अम्मी दिमाग खराब हो चुका है मेरा, बस बहुत हो गया, दफा हो जाओ यहाँ से। और हाँ तलाक के पेपर्स भिजवा दूंगा मैं तुम्हारे घर। अजलान, अजलान बेटा, कर छुपा के नेकियां के देखता है सब खुदा।
देख लिया अपने दिखावे का अंजाम।